एक समय की बात है, बाजार में था एक घड़ी का दुकान। उस दुकान में प्रदर्शन पर कई प्रकार के घड़ियां थी। घड़ियां हमेशा इस प्रतीक्षा में रहते थे कि उनको कब कौन खरीद के ले जाएगा। परंतु उस दुकान में था एक आलसी घड़ी जिसको किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ दुकान पर आया। इतने प्रकार की घड़ियों को देखकर वह आश्चर्य रह गया। पापा, देखो कितने अच्छे घड़ियां हैं इधर। हाँ हाँ, हम बहुत अनोखे हैं। देख लेना, रामू मुझे ही चुनेगा। रामू सोच रहा था कि अब वह कौन सी घड़ी को चुने। मुझे चुनो। नहीं नहीं, मुझे चुनो। नहीं रामू, इधर देखो, मुझे चुनो। सारे घड़ियां बेचैनी से देख रहे थे कि रामू किसे चुनेगा, लेकिन वो एक आलसी घड़ी आंखें बंद करके बेपरवाह रहा। रामू को लगा जैसे उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। पापा, आपको कुछ सुनाई दिया क्या? रामू के ऐसे बोलते ही सारे घड़ियां चुपचाप हो गए। रामू एक एक करके सब घड़ियों को देख रहा था तो एक कोने में उसे वो आलसी घड़ी दिखाई दी। रामू उसकी ओर जाने लगा। पीछे से बाकी घड़ियां हैरान हो गए। बच्चे, उसके पास क्यों जा रहे हो? उसको मत चुनो। हाँ, वो बहुत ही चिड़चिड़ा है। हमें चुनो, हम चुपचाप से तुम्हें समय बताएंगे। जैसे रामू उस घड़ी के पास गया, घड़ी ने अपनी आंखों को टेढ़ा कर लिया ताकि रामू उसको ना चुने। प्रार्थना करने लगा कि अब रामू उसे खरीद ना ले। हे भगवान, यहाँ बहुत शांति है, जब मन करे आराम से सो सकता हूँ। कुछ तो करो भगवान। परंतु रामू को यही घड़ी पसंद आई। अरे पापा जी, अपने बेटे को मना कर दो, सोचा आलसी घड़ी ने। अच्छा, तो आखिर में तुमने इसी को चुना। देखते हैं कब तक रह पाओगे इसके साथ। बहुत जल्द इससे तुम तंग आ जाओगे और भागते हुए वापस आके मुझे ही ले जाओगे। बेटा, तुम्हें ये घड़ी पसंद आई? अच्छी पसंद है तुम्हारी। रामू अपनी पसंद से बहुत ही प्रसन्न था। घर जाकर उसने अपने बिस्तर के बाजू में इस अलार्म घड़ी को अच्छे से रख दिया। हर रोज रामू घड़ी को साफ करता था और ध्यान से रखता, परंतु घड़ी रामू पर चिढ़ता ही रहा। एक रात रामू रोज की तरह घड़ी को साफ करके अलार्म सुबह के 7 बजे के लिए रखा और सो गया। रामू के सोने के बाद धीरे से घड़ी ने अलार्म का समय 8 बजे में बदल डाला। अगली सुबह अलार्म की घंटी 8 बजे बजी और रामू झट से जाग गया। समय देखा तो आश्चर्य रह गया। मैंने तो 7 बजे के लिए रखा था, 1 घंटा देर से कैसे बजाइए? गलती से मैंने ही रखा होगा। उफ, बहुत देर हो गई, पापा गुस्सा करेंगे। रामू जल्दी जल्दी तैयार हुआ और स्कूल के लिए निकल पड़ा। उस रात फिर से रामू ने ध्यान से 7 बजे के लिए अलार्म रखा और सोने चला। अब मैं कल समय पे जागूंगा। घड़ी ने रामू का गहरे नींद में जाने तक इंतजार किया और फिर धीरे से अलार्म 8 बजे के लिए बदल दिया। अगली सुबह
रामू देर से जागा और हैरान रह गया। पीछे से रामू के पापा उसे पुकार रहे थे क्योंकि स्कूल के लिए देर हो चुकी थी। रामू ने सोचा, आज रात तो मैं पता करके ही रहूंगा कि ये हो क्या रहा है। उस रात रामू ने फिर से अलार्म 7 बजे के लिए रखा और बिस्तर पर लेट गया। अब मैं देखता हूँ कि बीच रात में कौन आके समय बदल रहा है। रामू सोया नहीं, बस सोने का नाटक कर रहा था। घड़ी को लगा कि रामू सो गया और वह धीरे से समय को बदलने लगा। रामू को कुछ आवाज सुनाई दी और वह आश्चर्य रह गया। चुपके से आंखें खोलकर नजर डाला तो रामू ने देखा कि ये घड़ी खुद ही अपने कांटों को हिलाकर समय को बदल रहा था। अगली सुबह जब अलार्म 8 बजे को बजा, उफ, ये घड़ी तो बकवास है, इसको तो मैं कचरे में फेंक दूंगा। कूड़े में धूल से भरा बैठे रहने दो इसे, पूरा का पूरा बंद ही हो जाएगा फिर। मैं अभी पापा को बोलता हूँ। रामू की बातें सुनकर घड़ी परेशान हो गया। रामू रुको, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता है मैंने गलत किया, कृपया मुझे कूड़े में नहीं डालना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर सुबह समय पे जगाऊंगा। रामू घड़ी को देख के हंसने लगा। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ, परंतु इतना काफी नहीं है, तुमको एक और काम भी करना पड़ेगा। मैं कुछ भी करूंगा, बोलो। तुम्हें मेरा दोस्त बन के रहना होगा, ठीक है? अलार्म घड़ी ने मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आज से तुम्हारा नाम टिकटॉक होगा और हम दोनों पक्के दोस्त बन के रहेंगे। उस दिन से हर रोज घड़ी रामू को सही समय पर जगाने लगा। दोनों ने साथ में अच्छा समय बिताया, साथ साथ पढ़ा लिखा, हंसा और सोया, खुशी से दिन गुजारे।